बुरहानपुर में तेज आंधी तूफान के चलते बीएसएनएल कार्यालय का मुख्य टावर गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक मकान की छत धराशाही हो गई। इस घटना पे जान माल की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। सीनियर साहब आएंगे वो बता पाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा हमारा गोडाउन पूरा का पूरा बैठ गया। इस हादसे में कितने लोग दब गए थे, क्या इसमें? अभी जैसे जानकारी प्राप्त हुई है कि शायन शाह वाले के तीन लोग थोड़े उनको चोट लगी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। अब क्या मांग करते हो आप? क्या अभी हमारा जो ये है, हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी हमारे पूरी भरपाई मिली है। कुछ समय पूर्व ही आंधी तूफान और बारिश को जम के आई, और जिसमें बीएसएनएल कंपनी का टावर गिरा, और जो कुछ लोगों को मकान पे गया नुकसान भी हुआ, और एक बच्चा भर्ती भी किया गया जिसको लग गया है। मैं माननीय कलेक्टर महोदय प्रशासन से ये मांग करता हूँ, और कल निगम कमिश्नर से भी, जो नगर निगम क्षेत्र में टावर लगे तो सब टावर की जाँच की जाए कि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो, और पत्र के माध्यम से भी आप लोगों ने ध्यान रहा, तो ऐसे परिवार को मुआवजा भी दिया जाए जिनको लगा जिनके मकान पे उनको मुआवजा दिया। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।